वेलकम डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो एनसीसी के फॉर्म को किस प्रकार से पूरा फिल करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, उसी के रिगार्डिंग रहेगी। सबसे पहले मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा दूं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। आप आराम से आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्म है और ये लेटेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और जो अभी जो है इशू किया गया है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे और आपको अच्छे से एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा कि आप फॉर्म कैसे फिल करें और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा फॉर्म जो है वो पहले दिखा दिया है, अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपको स्कूल से फॉर्म मिलता है तो उल्टा, मतलब जैसे दो पेज होते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये पहले है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहला फॉर्म आपको पूरा दिखा दिया है। अब आपने वो फॉर्म देख लिया होगा, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इस फॉर्म की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा है ना नेम, वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, मतलब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो आप जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जो भी आपका प्यारा नाम है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ अजय, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे ए, ठीक है, तो कैपिटल में लिखना है जे ए वाई, उसके स्पेस देकर अगर आपके आगे कोई कास्ट है तो आप वो लिखेंगे के यू एम ए आर, फिर स्पेस देंगे अगर आपके आगे भी कुछ आता है, जैसे ये मिडल हो गया, ठीक है, ये मेन हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से लास्ट में भी लिखेंगे अगर आपको पूरा नाम है, मतलब आपको जब कोई भी आगे लिखना होगा तो आपको स्पेस देना होगा, ठीक है। यहाँ तो मैं जो है एक कलर का यूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप ब्लैक या ब्लू पेन से जो है आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज की अटेस्टेड करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको लगानी है फ़ोटो, ठीक है। तो एक बार अपने स्कूल से पूछ लेना, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो फ़ोटो आप लगाएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपके खुद के साइन मांगे जाते हैं, जो आधे नीचे और आधे ऊपर होते हैं, ठीक है। नहीं तो कई बार वो कहते हैं कि जो भी आप गैजेट ऑफिसर के यहाँ जा रहे हैं तो उसके यहाँ पर आप साइन करें। तो पहले आप स्कूल में कंफर्म कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। नॉर्मली जो है जितने भी स्कूल से वो सेल्फ अटेस्टेड साइन यहाँ पर मांगते हैं, ओके। तो आपको पहला क्लियर हो गया, आपको अपना नेम कैसे यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ लिखा नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपको नेशनलिटी बतानी पड़ेगी यहाँ पर, मतलब आप कौन सी कंट्री से हैं वो बताना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया लिखना है, ठीक है। आई, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई एन डी आई ए एन, जैसे हम इंडियन हैं तो हमने इंडियन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये इंडियन लिखने के बाद, ठीक है, जैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन लिखा, उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है डेट ऑफ बर्थ। कहीं क्या करते हैं कि जल्दबाजी में यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देते, फिर मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप वीडियो को आराम से तसल्ली से देख लें ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखो, यहाँ लिखा है डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मैं अपना लिखता हूँ तो ये लिखा 03, ठीक है, तो यहाँ 08, ऐसी आपका जैसे 1999 है तो आपको लास्ट के दो लिखने हैं, 99 लिख दिया। जैसे अगर किसी का जो है 2005 है तो ये 05 यहाँ पर लिखना है, आपको लास्ट का लिखना है, ओके। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ लिखा है फादर्स नेम, तो देखिए आपको फादर्स नेम भी वैसे लिखना है जैसे आपको अपना नाम लिखना था। सबसे पहले जो फर्स्ट है, ठीक है, जैसे मैं अगर अपने फादर का नाम लिखूं तो यहाँ पर लिखा एस एच वाई ए एम, ठीक है, श्याम। उसके बाद जो भी अगर जैसे मिडल नेम है तो आप वो लिखेंगे एस यू एन डी ई आर। उसके बाद जैसे लास्ट नेम आता है तो आप वो लिखेंगे, अगर नहीं है ना तो सिर्फ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ, जैसे किसी का नाम है अक्षय जैन या अक्षय कुमार, तो उसने फर्स्ट नेम में लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट नेम में कुमार लिख देना, तो बीच वाला मिडल वाला खाली। ये मिडल वाला तभी करते जैसे तीन चीज़ें आ रही हों, एक दो तीन चीज़ें आ रही हों, ठीक है। जैसे श्याम सुंदर, यहाँ हमने लिखा भल्ला, इस तरीके से लास्ट नेम, ठीक है। और आपको जो भी आप लिखेंगे एक कम से कम स्पेस जरूर छोड़ना है, समझ में आ गया।
ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही यहाँ पर आपको मदर्स नेम लिखना है, ठीक है, कैपिटल में ही लिखना, ठीक है, बड़े में अक्षर में। तो मदर्स नेम जो भी है आपका तो वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, अब जैसे मदर नेम जो है मेरी माता जी जो है वो कोई कास्ट कुछ नहीं लगाती, तो हमने सिर्फ वो सिर्फ इतना लिखते हैं, तो हम इतना ही लिखेंगे जितना उनके आधार कार्ड में जहाँ पे भी जो भी इंफॉर्मेशन है वैसे आप लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आता ना कि मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, तो जो आधार कार्ड में लिखा हुआ लाइन से आप वही जो है यहाँ पर आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का मतलब यह है कि जो आपका पक्का एड्रेस है, ठीक है, जो आपका चेंज नहीं होने वाला, जैसे अगर गाँव का भी है तो गाँव का भर सकते हैं, ठीक है, जो आपका स्थाई पता है, मतलब पक्का पता है जिसे चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी का कोई है ही किराए का, किराए पर ही रहता है मतलब, तो फिर वो यहाँ पर मैंशन कर सकता है, ठीक है। तो अब परमानेंट एड्रेस आपका जो भी होगा आधार कार्ड के हिसाब से देख कर आप भर देना, ठीक है। जैसे किसी के जैसे ए है, यहाँ पर डैश डाला हुआ A3, ठीक है, आर ए एन आयरानी, ठीक है, विहार, जो भी है एक एक स्पेस देकर आपको लिखना है जब भी कोई नया आएगा तो, और कैपिटल में लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन मेन आपको सारा बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, अच्छे से एक एक चीज़ पता लग जाए, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके देखो परमानेंट पूरा आप लिखिएगा जो भी आपका है, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपके पास पहचान पत्र होगा, ठीक है, नहीं तो राशन कार्ड होगा, उस पर आप आराम से देखिए कौन सा आपका एड्रेस है। उसके बाद मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, ठीक है, दोनों में से आपको एक बताना है यहाँ पर कि मोबाइल नंबर क्या है आपका। तो मोबाइल नंबर जो भी होगा ना आपको, जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, जैसे 9811100, तो जो भी आपका नंबर होगा, जैसे 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट का वैसे मैंशन कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर सबके पास होगी ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी तो आप यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे, ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे। और अब ईमेल आईडी में कोई भी जो बिजनेस फेस नहीं होता है ना, तो आप पूरा लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ AJAY। हाँ, आपको कह सकता है कि भाई मेरी ईमेल आईडी जो है ना वो सब स्मॉल लेटर में है, तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, जैसी ईमेल आईडी आपके वैसे ही लिखना, ठीक है। कैपिटल में लिखते हैं तो आप कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पर भी कैपिटल में लिख देंगे, हालांकि ईमेल आईडी अगर कैपिटल में भी लिख देते तो वो उसे कैच कर लेता है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं आती, लेकिन जो है वही लिखें। ऐसे यहाँ पर आप पूरी ईमेल आईडी लिख देना @gmail.com, ठीक है, या किसी और साइट पर तो वो, तो यहाँ जीमेल है तो आप जीमेल लिख देंगे, ठीक है, .com, क्लियर हो गया। और डॉट के लिए भी आप यहाँ पर डॉट डालेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, उसके बाद कॉम, क्लियर है, जैसे यहाँ पे कॉम होगा तो COM, स्पेस में छोड़ेगा, डॉट के यहाँ बिंदु आप लगा देंगे, ठीक है, उसको अलग स्पेस में लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे अगर किसी का AB है, ठीक है, तो वो AB पॉजिटिव है तो आगे प्लस लगा देगा, नेगेटिव है तो माइनस लगा देगा, ठीक है, O है तो O, अगर खाली O है तो O ही लिख देना, ठीक है, और A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव, जो भी आपके जो आपने टेस्ट करवाया होगा उसमें लिखा होगा ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ बोला नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का आपको कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ता है वो आप यहाँ लिखेंगे। इससे पहले यहाँ बताया गया कि लिंग कौन सा है, सेक्स कौन सा है आपका, ठीक है, मेल है तो आप मेल लिखेंगे, ठीक है, MALE, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, MALE। और अगर फीमेल है तो आप फीमेल लिख देंगे, FEMALE, ठीक है, इस तरीके से जो भी होगा आप आराम से यहाँ लिख देंगे, ओके, कैपिटल में लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो मैंने आपको बता दिया जो भी आपके आसपास का रेलवे स्टेशन होगा, जैसे दिल्ली है, ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पर आप स्टेशन का नेम यहाँ लिख देंगे, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जो भी आपके आसपास का पुलिस स्टेशन है उसका भी नाम आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर आपका कौन सा पुलिस स्टेशन पास में पड़ता है वो आपको लिखना पड़ेगा, आप अपने बड़ों से पूछ लेना। उसके बाद बोला गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स इन परसेंटेज, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो आपकी देखो अब आप जैसे 9 में भर रहे हैं तो आप 8 का लिखेंगे कि आप 8 पास हैं, 8 में भर रहे तो 7 का लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लास का लिखना है, जैसे क्लास कौन सी 8th, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है
क्लास 8 से लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 8 पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या बोला जाए, आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज में बताना है, तो जो भी आपके आएंगे, जैसे 95 आए हैं तो आप 95% यहाँ लिख देंगे, 80 आए हैं, 33 आए, जो भी आए ना आप आराम से यहाँ लिख देंगे, ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बताया गया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपकी जो बॉडी है ना उसमें कोई निशान है जिससे कि आपकी पहचान हो सके, जैसे किसी के जो गाल हैं, ठीक है, उस पर जो है ना तिल होता है, तो वो यहाँ पर लिख देगा कि उसके जो है राइट जो चीकस पे क्या है, एक मोल है, स्मॉल है, छोटा मोल है तो छोटा लिख देगा, ठीक है, बड़ा है तो बड़ा मोल लिख देगा, ठीक है, समझा दी। तो ये आप बाकी और गूगल वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं कि जैसे आपको पता नहीं चल रहा कि उसको जिनको क्या बोलते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं बता दूँ, जैसे किसी के सिर पर कोई चोट लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर निशान है तो स्कार लिख देंगे, SCAR, ठीक है, कि वहाँ पर एक निशान है, स्मॉल है या बड़ा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और अगर किसी को जैसे पूछना होगा ना कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है तो इसकी इंग्लिश या क्या होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं फिर उसको आपको मैसेज में जवाब दे दूंगा, तो वहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि अभी एक जने का लिखना मुश्किल है ना, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको मतलब कम से कम दो आपको अपनी पहचान की बतानी है, ठीक है, जैसे नाक पर कुछ हो सकता है, आपके कान पर कुछ हो सकता है, जो भी है ना आपको यहाँ पर कुछ निशानी जरूर देनी पड़ेगी, जिससे कि रिकॉग्नाइज हो सके कि आप खुद हो, ठीक है, ये कंपलसरी है, दो बतानी पड़ेंगी आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद कह रहा हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट एंड इफ सो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट वाज द सेंटेंस। ये कह रहा है कि क्या कभी आप क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है आपको उसको फेस करना पड़ा, और अगर क्रिमिनल मतलब जैसे कोई गुनाह वगैरह, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्या हालत हुई थी, तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी घटना घटी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको जो है लगाना भी पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो पूरा कंफर्म करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, और अगर जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई भी गुंडागर्दी ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं है, तो आप इसको जो है यहाँ पर डैश डाल देना और इसको लीव कर देना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आपको स्कूल का नेम बताना, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ना बच्चों, या अगर आप कॉलेज में भर रहे हैं पहली बार, तो कॉलेज का आपको बताना है। और अगर आप जैसे 11th से 12th में कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आपने क्या साइड लिया वो आपको बताने होगा। तो यहाँ पे स्कूल का नेम आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्कूल का नेम अभी जैसे ध्यान में नहीं होता, तो आपको स्कूल से आई कार्ड मिला होगा, ठीक है, तो जो भी आपके पास कोई ना कोई चीज़ रिपोर्ट कार्ड होगी, है ना, 8th की 7th की, अगर उसी स्कूल में आप हैं, तो वहाँ से स्कूल का नेम पूरा अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है, ठीक है, जैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो GOVT शॉर्ट में लिख दो गवर्नमेंट, उसका स्पेस देके, जैसे बॉयज़ का है तो बॉयज़, गर्ल्स का तो गर्ल्स का, जो भी होगा वो लिखना, ये मत लिख देना, ये तो सिर्फ आइडिया देने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके जब आप पूरा लिख लेंगे ना, अगर आप आर्ट्स के हैं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के ARTS आर्ट्स लिख देना, कॉमर्स के तो आप ब्रैकेट पहले लगाना, फिर कॉमर्स की पूरी स्पेलिंग लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि विलिंग टू बी एनरोल्ड एंड अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948। तो ये कह रहा है कि क्या आप अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंदर, तो आप लेना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है, मतलब आपकी इच्छा है ना जाने की, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। फिर NCC यूनिट टू बी एनरोल्ड इन, तो आप कौन सी NCC यूनिट में एनरोल कर रहे हैं, ये आपके जब आपका फिल हो जाएगा ना, आपके टीचर्स भरेंगे, ठीक है, समझ में आ गई आपको, ये क्लियर हो गया। तो आपको इस पर आप इच्छा है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है, आप जा रहे हैं तो यस करने के लिए जा रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग तो लेंगे ना। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 नंबर पे कह रहा है, हैव यू बीन एनरोल्ड इन NCC, अरे क्या कभी आपने NCC ज्वाइन करी थी पहले, अगर करी थी तो फिर उसका रोल नंबर भी आपके पास होगा, जैसे आप कोई बाद में भर रहा है ना दोबारा से, जैसे सर्टिफिकेट होते हैं ना ABC वगैरह, तो फिर उनको ये फिल करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप थोड़ी भरेंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे नो, ठीक है। अगर आपने पहले भी एनरोलमेंट करवाया फिर दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप यस लिखेंगे, फिर आपको रोल नंबर लिखना है। और अगर आप नो लिख देंगे ना, तो नो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये नहीं भरना, ठीक है, लाइन डालने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से लाइन डाल देना, ताकि चीज़ें कहीं भी क्यों डाली तो आप हटा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम NCC,
क्या आपको कभी एनसीसी से डिसमिस किया गया, जैसे कि बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि टीचर जो है उनको डिसमिस कर देते, भाई चलो निकलो यहाँ से, निकाल लेते, तो वो बता रहे हैं कि क्या आपको कभी डिसमिस किया गया एनसीसी से, ठीक है, या टर्मिनेट किया गया हो, या किसी भी टेरिटरी से, किसी भी कुछ भी आपको मना किया हो, तो आपको लिखना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी कि आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर जिसने नहीं किया तो आपको ये डैश छोड़ देना, लाइन छोड़ देनी। अगर आपको कभी डिसमिस नहीं किया गया, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डैश लगा दीजिए, लाइन डाल दीजिए, पेंसिल से डालना, ठीक है, फिर से ध्यान रहेगा ना, हाँ भी मैंने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है नहीं तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस विद रिलेशनशिप टेलीफोन नंबर, ठीक है। देखिए एक बात और, यहाँ पर जैसे मैं आपको लाइन डालने के लिए कह रहा हूँ, तो आप यहाँ नो भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो, क्योंकि आप कभी डिसमिस तो हुए नहीं है, है ना, किसी एनसीसी से, किसी आर्मी से, ठीक है, अगर हुए हैं तो फिर आप यहाँ यस लिखेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस, तो ये कह रहा है कि आपका कोई निकटतम संबंधी है, ठीक है, तो जो भी है आप उसका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर जैसे कई बार ऊपर जो है ना फादर मदर अगर जो है नहीं हो पाते, या किस तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये तब मेंशन वगैरह करना पड़ता है, नहीं तो इसको आप लीव करो, ठीक है, आप इसको नहीं भरेंगे, इसको लाइन डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि निकटतम संबंधी का आपको एड्रेस बताना है, तो जब आपका परमानेंट एड्रेस है मदर फादर के साथ, अब जो भी है, ठीक है, जैसे ये होता है ना कई बार आपका जो एड्रेस है वो मिल नहीं पाता है ना, तो फिर आप कोई और एड्रेस बताना चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है उनसे भी बात कर ले, तो ये वो है, ठीक है, अगर आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है, उसके बाद ये बोला है कि बैंकर डिटेल। अब देखो आईएफएससी कोड आपकी पासबुक में लिखा होगा, आपको वहीं से जो है यहाँ पर सेम कोड लिख देना है, ठीक है, ऐसे बैंक अकाउंट का नंबर होगा, ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपके पेरेंट्स का होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो आईएफएससी कोड है ना, तो फिर आप अपने पेरेंट्स का ही जो है लिख देंगे, ठीक है। आधार हो सके तो आप अपना जो है ना अपना बनाइए, ठीक है, अगर अपना अकाउंट नहीं खोला तो आप अपना कीजिए सब कुछ। फिर उसके आधार अगर आपके पास है तो आधार नंबर पूरा आपको यहाँ भरना है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको, ठीक है, ब्लैंक कर दीजिए, ऐसे लाइन डाल दीजिए पेंसिल से, ओके। फिर आपको लिखना आप किस जगह से हैं, आपको उस प्लेस का नाम लिखना है, जिस जगह से, जैसे दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, यूपी से, जो भी हैं, और किस दिन आप ये जो है सबमिट करेंगे, तभी डेट डालना, पहले मत डालना। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है, तो पहले आप रफ में ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद साइन करना, ये नहीं कि बाबा साइन चेंज करते रहें, ओके। उसके नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट कह रहा है कि आप डिक्लेयर करेंगे, कि आप घोषणा करेंगे ऑन द एक्सेप्टेंस फॉर एनरोलमेंट, कि आपने इस जो भी यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, इसको आपने एक्सेप्ट किया है, और आप कुछ भी जो है वो छिपा नहीं रहे हैं, मतलब ये आप कन्फेस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, आई सॉलेमली डिक्लेयर दैट, मैं पूरी तरह से इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, द आंसर आई हैव गिवन टू द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस फॉर्म में, उन सबके जो मैंने आंसर दिए हैं वो ट्रू हैं, क्या है, ट्रू। और आगे कह रहे हैं, एंड डेट नो पार्ट ऑफ दैम इज फॉल्स, इसका कोई हिस्सा भी गलत नहीं होगा, एंड डेट आई एम विलिंग टू फुलफिल द एंगेजमेंट मेड, ठीक है, और जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी एंगेजमेंट का जो भी काम करना होगा मैं उसके लिए इच्छुक हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है आई डैश, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जो कैंडिडेट है ना, जो बच्चा है फॉर्म भर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, प्रोमिस दैट, ठीक है, जैसे मेरा नाम अजय अगर मैं भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा, ठीक है, तो प्रोमिस दैट, यहाँ पर आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा नाम लिखना है, ये नहीं अधूरा छोड़ दें, और छोटा छोटा लिखना, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्मॉल में लिखना, पूरा आता है, ओके। प्रॉमिस दैट आई विल ऑनेस्टली, मतलब मैं वादा करता हूँ, मैं ईमानदारी से एंड फेथफुली, बिल्कुल कृतज्ञता से जो भी है, ठीक है, सर्व करूँगा, अपनी कंट्री की सेवा करूँगा, एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और जितने भी सारे एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प इसी फुल फॉर्म है, रूल्स और रेगुलेशन है ना, मैं उसको अच्छे से पालन करूँगा, ठीक है, ये आप ये वादा कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जितनी मेरे अंदर योग्यता है, ठीक है, अटेंड ऑल परेड्स, ठीक है, सारी की सारी परेड को अटेंड करूँगा, एंड कैंप्स कैंप्स को भी करूँगा, मे बी रिक्वायर्ड बाय द कमांडिंग ऑफिसर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसको अटेंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको अपना नाम लिखना है, और आप फिर आगे प्रॉमिस कर रहे हैं दैट आफ्टर एनरोलमेंट, जब एनरोलमेंट मेरा हो जाएगा, मतलब आपका इसमें एनरोलमेंट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जब आप एनसीसी ले लेंगे, आई विल हैव नो क्लेम ऑन अथॉरिटीज फॉर एनी कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ इंजरी, मतलब मैं
बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का जो है ना ऑथोरिटी से जो है कंपनसेशन नहीं मांगूंगा, क्षतिपूर्ति नहीं मांगूंगा। अगर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या डेथ हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से ट्रेनिंग कैंपस के दौरान या कोर्स के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, एंड वाइल, और आगे बोल रहा है वाइल ऑन VEP और एनी अदर सच NCC इवेंट, मतलब कोई भी, अगर कोई भी इवेंट हो रही है, ठीक है, जैसे RDC हो रही है, IDC हो रही है, कोई भी हो रही है, तो मैं किसी प्रकार की कोई पैसे की डिमांड नहीं करूँगा। अगर डेथ भी हो जाती है तभी कोई डिमांड नहीं करूँगा, ठीक है, ये मतलब पेरेंट्स नहीं करेंगे इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप ये भी डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट बोला गया है, आई डैश प्रोमिस टू पे द रेसिडुअल कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स इशूड टू मी इफ आई डू नॉट कम्प्लीट 2 ईयर्स ऑफ NCC ट्रेनिंग। अगर मैंने 2 साल की NCC ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया और जो वहाँ से मुझे जो कपड़े जो भी सामान मिलेगा तो उसकी जो भी रेसिडुअल वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब जो उस समय उसका वैल्यू होगी, मूल्य होगा, जैसे आपने 700 की कोई चीज़ ली थी तो उस समय उसकी वैल्यू होगा 300 रुपये, 200 रुपये, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, उसके पैसे आप फिल करोगे, मतलब प्रोवाइड कर दोगे, उनको दे दोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है, अगर आपने 2 साल की ट्रेनिंग नहीं करी तो। उसके बाद फिर DS नहीं, यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है, डेट तभी डालिएगा जब आप सबमिट करने जा रहे हैं, जब आपके टीचर बोले हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है, मतलब साइन करने हैं, और जो भी आपने साइन पहले करे थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके पेरेंट्स भी डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद देखो पहले लिखा है कि आई सॉलेमनली डिक्लेयर दैट द आंसर गिवन इन दिस फॉर्म आर ट्रू। ये कह रहा है कि इस फॉर्म में जितने भी सारे आंसर दिए जाएंगे वो बिल्कुल सही दिए जाएंगे। आपके पेरेंट्स या जो आपके टेक केयर कर रहे हैं ना गार्जियन, वो ये पूरा वादा कर रहे हैं, और कोई भी जो पार्ट है वो इसमें फॉल्स नहीं होगा। मेरे जो सन है, डॉटर है, जो मेरा वार्ड है, ठीक है, वार्ड मतलब बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो जो भी भरा जा रहा है इसमें एनरोलमेंट करवाने के लिए, कोई भी चीज़ में डिटेल जो है डिटेल है वो गलत नहीं बताई जा रही है। तो DS यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फादर बोल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा SHYAM श्याम सुंदर, पूरा छोटे छोटे लिखना, ठीक है, तो आप पूरा यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखिए, पूरा ऐसे लाइन में डाल के लिख देना। आपको केवल इसी स्पेस पर लिखना है, यहाँ पर ही लिखना है आपको खाली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब आपके पापा जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जब एनरोलमेंट हो जाएगा मेरे सन का, डॉटर का या वार्ड का, ठीक है, आई विल हैव नो क्लेम ऑन द अथॉरिटीज ऑफ एनी कंपनसेशन। मैं किसी प्रकार की पैसे की डिमांड नहीं करूँगा, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ अगर इंजरी हो जाती है मेरे बच्चे को या डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, कैंप में, कोर्स में, ट्रैवलिंग में, वही सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये आपके पापा की तरफ से, मदर भरे तो मदर की तरफ से, या आपके जो गार्जियन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और कह रहे मैं जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड माई सन डॉटर वार्ड हैज़ नो सर्विस लायबिलिटी, कि मेरे जो बच्चा है, ठीक है, उसकी कोई सर्विस जो है लायबिलिटी नहीं रहेगी आपके प्रति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है आई डैश, यहाँ पर भी आपको अपने फादर का नाम लिखना है, कि प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी ना गुड प्रोराटा रेसिडुअल कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग आइटम इशूड इफ माई सन वार्ड डजेंट कम्प्लीट 2 ईयर्स ऑफ NCC ट्रेनिंग। मतलब आपके फादर मदर ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा 2 साल से पहले छोड़ देता है तो जो भी सामान उसने लिया होगा उसकी वैल्यू, उसके जो रुपए जो बनेंगे वो स्कूल में लौटा दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी प्लेस फिर दिल्ली, यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, ठीक है, जैसे पापा के साइन है तो जो जैसे करते हैं वहाँ साइन कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए आपको सर्टिफिकेट क्या बताया जाता है, ये बताया जा रहा है, ये सर्टिफाइड किया जाता है दैट द एप्लीकेंट अंडरस्टैंड एंड एग्रीज टू बी कंडीशन ऑफ द एनरोलमेंट। मतलब आप इसमें जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना तो ये पूरी तरह से मान लिया जाता है कि आप पूरी तरह से एग्री हैं जो भी कंडीशन रखी गई हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। और ये भी सर्टिफाइड किया जाता है कि एप्लीकेंट और जो उसके माता पिता हैं वो भी समझ गए हैं, ठीक है, कि समझ गए हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है एनरोलमेंट करने के लिए और उससे एग्री हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको कोई साइन नहीं करने, यहाँ पर अथॉरिटी साइन करेगी जब पूरा चेक कर लेगी ना, और यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट वो अपने आप भरेगी, ठीक है, ये आपको इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, ओके। उसके बाद है टू बी कम्प्लीटेड बाई मेडिकल ऑफिसर। अब ये मेडिकल ऑफिसर के द्वारा फिल किया जाएगा एनरोलमेंट से पहले, ठीक है, तो आपके आसपास जो भी MBBS जो भी डॉक्टर होंगे वो इसके लिए फिल करेंगे, ठीक है, ये फिल करेंगे जो भी आपके आसपास जो डॉक्टर हैं MBBS से करवाना, ठीक है, यहाँ पर जो है उनका आपका नेम आएगा, वो अपने भरेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है और ब्लड ग्रुप जो उन्होंने टेस्ट किया होगा वो ब्लड ग्रुप अगर आपको पता होगा आप दिखा देंगे तो ब्लड ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर वगैरह जो भी उनकी स्टैम्प वगैरह होती है वो सब ये करेंगे। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, ये आपको लेकर जाना है, ठीक है,
डॉक्टर के पास, वो सारा इन्हें फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है, आपको कागज़ नहीं मिलेगा, मतलब साइन होते हैं प्रिंसिपल के द्वारा कि सर्टिफिकेट डर द एबव एप्लीकेंट, जो बच्चा जिसने फॉर्म पूरा भरा है वो इच्छुक है, एग्री है, सारे टर्म और कंडीशन को मानता है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट किया जाता है कि स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट किसके अंदर भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, स्कूल में ले रहा है, कॉलेज में ले रहा है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी कंडीशन को, पूरे पूरे रूल्स को मानता है जो भी स्कूल इंस्टीट्यूशन वगैरह के हैं एनसीसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपके प्रिंसिपल जो हेड ऑफ स्कूल है वो साइन करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल को साइन करना है, स्कूल है या कॉलेज जहाँ के भी। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। उसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर होगा फिर वो साइन करेगा यहाँ पर, जब भी आगे जाता है ना फॉर्म तो कमांडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, ये भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बोला गया टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, अगर एनरोलमेंट को एक्सटेंड करना है, आगे डेट बढ़ानी है, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन करेंगे, ठीक है, जैसे 2 साल का है ना आपका, इसलिए आपको इसमें साइन करने हैं, ओके। यहाँ पे प्लेस है और दिल्ली है। उसके बाद फिर देखिए एक और 2 जगह मेडिकल ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है, बच्चे एक जगह कराते दूसरी जगह ध्यान नहीं देते, तो देखो ऊपर भी था ना यहाँ पर मेडिकल का और यहाँ नीचे भी है, ठीक है, 2 जगह है, तो आपको दोनों जगह अच्छे से करवाने हैं, ठीक है, तो फिर बाद में दोबारा जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, तो सेम है तो मैं यहाँ बता नहीं रहा, ठीक है, 2 बार आपको करवाने हैं, दोबारा बता दिया। फिर आई एग्री टू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है, फॉर द एनरोलमेंट इनटू सेकंड ईयर, ठीक है। मैंने कहा था 2 साल का होता है तो आप एक ही बार में जो है दोनों भरवाएंगे, ठीक है, 2 साल का आपका होता है तो दोनों आपको भरने, दोनों करवा लेना, ओके। लेकिन कई स्कूल्स में जो है वो कहते हैं कि आपको एक भर के लाओ, दूसरा नेक्स्ट ईयर में दोबारा भरवा लेंगे, ठीक है, लेकिन कई स्कूल्स में जो है वो एक ही बार में पूरा फॉर्म भरवा लेते, 2 बार आप करवा लेना और यहाँ पर जो है साइन वगैरह आप जो है ना कुछ नहीं करना, ये आपको कौन करेंगे, ऑफिसर वगैरह ही करेंगे। फिर कंफर्म हो जाएगा, फिर वो कमांडिंग ऑफिसर साइन कर देंगे जिन्होंने कंफर्म करना होगा। अब उसके बाद जो है नॉमिनेशन, मतलब जैसे एनसीसी में कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उसमें अगर कोई प्रावधान है कि बच्चे के माता पिता, ठीक है, को अगर कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, या जिसके किसको देने हैं, कोई भी अगर घटना हो जाए तो किसको देने हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो बताया जाता है, तो नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। नॉमिनी किसको बनाया जाएगा, जैसे कोई भी अगर पैसा बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसका पैसा किसको दिया जाए, वो सारी की सारी डिटेल फिल की जाती हैं। तो आप फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल में लिखा हुआ है, मतलब ब्लॉक में लिखा हुआ है, बड़े लेटर में लिखेंगे, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखना ताकि पूरा नाम आपका आ जाए, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, अच्छे से समझ के पूरा आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर मदर जो भी शुरू में आपने भरा था, गार्जियन या फादर मदर, वही आपको भरना है। आपकी कौन सी क्लास है ये आपको भरनी है, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th भर देनी है, 8th तो 8th भर देनी है। उसके बाद पूरे स्कूल का नाम आपको लिख देना है जो आपने पहले भरा होगा, ठीक है। ऑन माय एनरोलमेंट विद द एनसीसी ऑन, तो डेट और यूनिट ये सब वो अपने भरेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखो कहीं जो है स्कूल्स में कुछ पैसे भी ले जाते हैं तो यहाँ पर वो आप रुपीज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है, मेंबरशिप फ़ीस होती है। और कहीं जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता तो ये आपके टीचर से आपको बता सकते हैं, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है माय फादर मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन, इस मतलब आपके माता पिता या जो भी आपके देख रेख कर रहे हैं उनका क्या काम है, जो भी वो काम करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में लिख देंगे, ठीक है, जो भी काम करते हैं तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे, ओके। ये स्टूडेंट्स उनकी एनुअल इनकम, मतलब पूरे साल की कितनी इनकम है, पूरे साल की इनकम यहाँ लिख देंगे। जैसे अगर 99,000 है तो 99,000 आप लिख देंगे, 1 लाख है 1 लाख लिख देंगे, 96,000 है तो 96,000 लिख देंगे, जो भी टोटल साल की इनकम होगी वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या काम करते हैं वो यहाँ लिख देंगे, हॉकर हैं, ठीक है, जो भी है ना, मतलब यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का काम लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए आई अंडरस्टैंड डैट आई शैल बी एंटाइटेड टू फाइनेंशियल रिलीफ एज डिटरमाइंड बाय गवर्निंग बॉडी, मतलब ये अगर मैं जानता हूँ कि ये पता है नॉमिनेशन है ना, तो नॉमिनेशन में जो है मतलब इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जो भी गवर्नमेंट वगैरह दे रही है, ठीक है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, जो पेड है वो इस पर्सन को जो भी है उसे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो 1 से ज़्यादा को आप नॉमिनी बनाते हैं, मतलब आप चाहते हो कि 4-5 जनों को जो है जो भी मेरे पैसा मिलेगा, ठीक है, कुछ हो जाता तो वैसे कभी खुदा ना करे ऐसा हो, ठीक है, तो आप किस किस को पैसा देना चाहते हैं, कितना कितना हिस्सा देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे नॉमिनी किसको बना रहे थे, कोई लिखा हुआ ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने पापा को बना रहे तो पापा का नाम, मम्मी को बना रहे मम्मी का नाम भी, और किसी और को तो किसी और को। अगर केवल एक को बना रहे हैं तो केवल एक का ही नाम लिखना है नॉमिनी में, ठीक है,
एक का नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी, ठीक है, जो भी आधार कार्ड होगा अच्छे से देख लेना उससे आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप अपने फादर का लिख रहे हैं तो फादर का फादर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है फादर का नाम लिख रहा है तो फादर लिख देगा, FATHER, फादर, ठीक है। अगर मदर का लिख रहा है तो MOTHER, मदर, ठीक है। ब्रदर का लिख रहा है ब्रदर का, चाचा का, जो भी है तो वो आपको लिखना है। उसके पूरा एड्रेस लिखना है वो कहाँ रहते हैं आपके, आप वहीं रहते हैं सेम है तो यहाँ पे सेम एड्रेस पूरा लिख देंगे, लिखना जरूर है, ठीक है। और अब जैसे आप तीन जनों को बांट रहे हैं तो आप कितना कितना देना चाहते हैं, एक जने को दे रहे तो पूरा 100% देंगे ना, तो 100%। मान लो अगर आप दो जनों को बांट रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपने फादर का नाम लिखा है, मदर का नाम लिखा, दोनों की एज लिखी, दोनों का यहाँ पर रिलेशन लिख दिया, फिर एड्रेस दोनों का लिख दिया, उसके बाद आप दोनों को बराबर बराबर देना चाहते हैं ना, 50-50% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको, इस तरीके से आपको फिल करना है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आगे बोला गया है सेक्शन 2 में, माई मेम्बरशिप इन द वेलफेयर सोसाइटी एंड दिस नॉमिनेशन फॉर्म विल बी वैलिड ओनली टिल सच टाइम आई रिमेन अ कैडेट इन द डिवीजन और विंग ऑफ द एनसीसी टू विच आई हैव बीन एनरोल्ड। ये कह रहा है कि मेरा जो भी नॉमिनेशन है मेम्बरशिप वो तभी तक रहेगी जब तक मैं उसमें एनरोल्ड हूँ, जैसे दूसरा पूरे होगा वो कैंसिल हो जाएगी, बस यही है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस डेट, ठीक है, डेट मैंने आपको बताया, तभी आप लिखना जब आप सबमिट कराने जा रहे हो, ठीक है। प्लेस डेट यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, डियर स्टूडेंट्स अपने साइन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपने आप करेंगे, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ओके, वो इंस्टीट्यूट वाले जो भी हैं वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो अपने साइन करेंगे, ओके। उसके बाद सेक्शन जो है थर्ड है, तो आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन, तो ये कह रहे हैं मैं अपनी इच्छा से अपने बच्चे को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। सन डॉटर जो भी है, वार्ड नेम आपका नाम आएगा यहाँ पर, किसका आएगा, आपका नाम, टू बिकम ए मेम्बर, ठीक है, कि मेम्बर बन जाए, ठीक है। ये आपके पापा लिख रहे हैं अली लाइन, या मदर लिख रही हैं, जो गार्जियन लिख रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से अपने बच्चे को अलाउड कर दूँ, जिसका नाम ये है कि वो मेम्बर बन जाए एनसीसी का, ठीक है, सोसाइटी का मेम्बर बन जाए, ठीक है, मैं अप्रूव करता हूँ, ठीक है, और आई ऑल्सो अप्रूव द नॉमिनेशन, और मैं ये भी अप्रूव करता हूँ कि जो मेरे बच्चे ने जिसको नॉमिनेशन बनाया वो ठीक बनाया सेक्शन 14 के अंदर। फिर यहाँ प्लेस, यहाँ डेट लिखनी है आपको, यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा ये आपके पापा मदर जो भी फॉर्म में आपने लिखा था, ठीक है, जिसको आपने मेन बनाया, तो आपको उसका नाम लिखना, जैसे फादर का लिख रहे थे ना हर जगह, तो फादर का यहाँ, ठीक है, साइन हो जाएगा, फुल सिग्नेचर पूरा नाम लिखना है, यानी शॉर्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे कर दिया जो हर जगह कर रहे थे, नहीं, पूरा पूरा लिखना है आपको, ठीक है, और पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है आपको। फिर आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो विटनेस आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और ये जो विटनेस है ना, ये नहीं कि आप आस पड़ोस के लोगों को भर देंगे, नहीं, आपको जो है ना गैजेटेड ऑफिसर के जो है विटनेस करने हैं, जैसे आपके इलाके का कोई विधायक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनके साइन करवा लीजिए, ठीक है। जैसे अब पंचायत है, जैसे लिखा है ना विलेज सरपंच है, तो सरपंच के आप यहाँ साइन करवा सकते हैं, विलेज का हेड है तो विलेज के हेड के आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और एक जो आपके जैसे प्रिंसिपल हैं तो वो गैजेटेड ऑफिसर हैं, तो उनके आप साइन करा सकते हैं। आपको दो गैजेटेड ऑफिसर चाहिए, जैसे बहुत सारे मंत्रालय के अंदर होते हैं, अगर आपके आसपास जान पहचान वाले हैं जो गैजेटेड हैं, ठीक है, तो उनके साइन यहाँ पर होते हैं। तो आप किससे भी साइन कराने जाएंगे तो आप बोलना कि गैजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, एक तो सरपंच का वैलिड होगा, ठीक है, अगर है, अगर विधायक है, ठीक है, या लोकसभा के हैं सदस्य, एमपी हैं, ठीक है, उनके वैलिड होंगे, ठीक है, या आपके जो निगम पार्षद हैं, नगर निगम के हैं, ठीक है, तो उनके भी वैलिड होंगे। तो आपको दो करवाने होंगे, एक तो स्कूल का ही चल जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है, और एक जो है आपको विधायक, पंचायत, सरपंच, जो भी आपके हैं नगर निगम के, तो उनसे आप साइन कराएंगे। और ये मत सोचना कि वो नहीं करेंगे, वो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, ठीक है, जरूर करेंगे, आप जाएंगे तो, और उन्हें भी गर्व है कि आप देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये आपको नहीं फील करना है, जब आपने, जैसे मैंने कहा ना, कहीं जो स्कूल होते हैं मेम्बरशिप फीस ली जाती है, तो ये आपको वहाँ पर वो लिखेंगे कि हमें बच्चे से इतने रुपये मिले हैं, फिर वो ये साइन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ फिल ही नहीं करना है। सेक्शन 5 में देखिए, डिस्पैच ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ द ग्रुप हेडक्वार्टर, तो ये भी आपको फिल नहीं करना, ये भी जो एनरोलमेंट वगैरह होगा वही यहाँ पर जो है नॉमिनेशन से रिलेटेड है, तो वही सारा कुछ यहाँ पर फिल करेंगे, आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसमें जो है ना ये क्षतिपूर्ति बॉन्ड होता है, जो हम इंडिया के प्रेजेंस के नेम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर आपके बच्चे जो एनसीसी में कहीं भी पार्ट ले रहा है, तो अगर कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर जो है जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी,
ठीक है, या आप उसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, ठीक है, जैसे तो इस तरीके से वो पे जो है वो नहीं करेंगी या करेंगी, जो भी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी तरह से बोल रहे कि जो भी है आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आप जो है इन अथॉरिटी के खिलाफ जो है कुछ भी कर नहीं सकते। यहाँ पर यही मेंशन किया गया, ठीक है, यहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है, बच्चे का जो नेम होगा आप इसको जो है बाद में लिखना, ठीक है, अपने एक बार टीचर से पूछ के, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एकदम पहले से फिल करते हैं और बाद में गलत हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो आपको फादर नेम तो लिखना है, क्योंकि आप पूरी तरह से आप खुद लिख रहे हैं कि हाँ भाई किसी प्रकार का कुछ भी होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको विटनेस जो है लिखनी है, ठीक है, विटनेस सिग्नेचर एक और दूसरी, यहाँ पर दो विटनेस देनी है। यहाँ पर तो देखो विटनेस यहाँ पर आप गैरेज ऑफिसर की नहीं चलेगी, यहाँ पर आप अपने पड़ोसी आस पड़ोस जिसको भी आप जानते हैं उन दो उनके यहाँ पर गवाह चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखना सिग्नेचर द फादर द नेम एड्रेस पूरा पूरा ये आपके फादर का जो है नेम वो यहाँ पर आएगा, उनका एड्रेस आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा जो है यहाँ पर भी आप क्या भरेंगे, दोनों विटनेस भरेंगे, दोनों विटनेस हैं या अपने पड़ोसी के किसी को भी आप जानते हो अपने मोहल्ले में किसी को भी, दो जनों के भरने हैं। यहाँ प्लेस और डेट आ जाएगी, प्लेस और डेट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से डी एस ओ में मैंने आपको पूरा फॉर्म अच्छे से समझा दिया है, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स।